वेलकम बैक गाइज, मैं रॉनी आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी लॉबी में, किसी भी टियर में ज्यादा प्लस कैसे ला सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गोल्ड में हो, डायमंड में हो, एस में हो या फिर एस डोमिनेटर में हो। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तीन चार फैक्टर है जिसके ऊपर आपको पॉइंट मिलता है BGMI में, और मैं उस तीन चार फैक्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप जिस लॉबी में खेलोगे इस वीडियो के बाद गाइज, आप उस लॉबी में सबसे ज्यादा प्लस ला सकते हो, फिर चाहे वो कॉन्करर लॉबी ही क्यों ना हो। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो। रुको गाइज, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। ये देखो गाइज, यहाँ पर देखो 96% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मात्र 3% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है जिन्होंने वीडियो देखा है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो गाइज इंतजार क्या कर रहे हो, जल्दी से वो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि गाइज मैं इसी तरह रैंक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक लाते रहता हूँ। तो चलो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज बेसिकली हम लोग को जो प्लस मिलता है किसी भी मैच के बाद, तो उसके पीछे 3 से 4 कारण रहता है, कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण हम लोग को किसी मैच में ज़्यादा किसी मैच में कम प्लस मिलता है। तो गाइज इस वीडियो में मैं उसी फैक्टर्स को बताने वाला हूँ, एक एक करके सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइज पहला फैक्टर है सर्वाइवल, दूसरा है किल, तीसरा है सपोर्ट और चौथा है सप्लाई। और गाइज एक पांचवा ही फैक्टर है जो पहले था अब नहीं है, वो है डैमेज या हील। तो गाइज यहाँ पर जो ये डैमेज या हील जो भी बोल लो, ये जो फैक्टर है इसे BGMI वालों ने हटा दिया है, क्योंकि गाइज लोग क्या करते थे रैंक पुश के टाइम पर जोन के बाहर जाके डैमेज लेते थे, वहीं पर हील करते थे। तो गाइज ये सही तो था नहीं, तो गाइज इसी वजह से BGMI वालों ने इसको हटा दिया है। तो गाइज अब सिर्फ 4 फैक्टर बचे हैं जो है सर्वाइवल, किल, सपोर्ट और सप्लाई। तो गाइज यहाँ पर सर्वाइवल हो गया कि आप कितना देर मैच में टिकते हो, कितना पोजीशन पे मरते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हो। दूसरा हो गया किल कि आपका किल कितना रहता है, 4, 5, 6, 7 जो भी रहे। तीसरा हो गया सपोर्ट, तो गाइज सपोर्ट मतलब कि आप अपने टीममेट को कितना सपोर्ट करते हो, वो जब नॉक होता है उसे रिवाइव करते हो या फिर किसी को असिस्ट, आपका असिस्ट कितना हुआ, ये सब चीज काउंट होता है। और गाइज यहाँ पर फोर्थ एंड फाइनल हो गया आपका सप्लाई, कि आपके पास कैसा लूट है, मतलब एमओ, हील, हेल्थ किट, फर्स्ट एड, बैंडेज, मतलब सब चीज को लेके यहाँ पे सप्लाई होता है। और आपके पास जितना अच्छा लूट रहेगा आपको इसमें उतना ज्यादा प्लस मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर देख लो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देख लो ये मेरा करियर रिजल्ट है और मैंने खेला है, देख लो भाई स्क्वाड मैच कहाँ है। तो गाइज देख लो ये एक स्क्वाड मैच का मेरा है करियर रिजल्ट, और भाई देख लो अभी यहाँ पर मैं डिटेल्ड स्टैटिक्स में जाऊँगा तो दिखेगा भी पूरा अच्छा से। देख लो गाइज यहाँ पर रहा ऊपर में राइट हैंड साइड में डिटेल्ड स्टैटिक्स, तो यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है सर्वाइवल 98.6, उसके बाद सपोर्ट 97.7, उसके बाद सप्लाईज 90.8। तो गाइज यही सब फैक्टर्स है जिसके कारण आपको ज्यादा प्लस या कम प्लस मिलता है। अगर आपका सर्वाइवल कम रहेगा तो कम प्लस मिलेगा, सपोर्ट कम, अगर आप अपने टीममेट को सपोर्ट नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको उससे भी कम, फिर कम प्लस मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर देख लो सपोर्ट के बगल में यहाँ पर असिस्ट लिखा हुआ है जो कि मेरा है 2। तो गाइज यहाँ पर ऐसा होता है कि किसी बंदे को आप डैमेज देते हो पर उसका किल आपका टीममेट ले आता है। तो गाइज ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर आपका किल चोरी हो चुका है, पर गाइज उसके बदले में आपको उसका प्लस मिलेगा। और यहाँ पर देख लो गाइज मेरा टोटल सप्लाईज था 44। तो गाइज यही सब देख लो, सब चीज यहाँ पर काउंट होता है। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा प्लस मिलेगा सबसे ज्यादा सर्वाइवल के लिए, जितना आप ज्यादा देर सर्वाइव करोगे मैच में आपको उतना प्लस मिलेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा प्लस मिलता है आपको किल्स के लिए, आपका जितना किल रहेगा उसमें आपको प्लस मिलेगा, सपोर्ट के लिए उसके बाद, और सबसे कम सप्लाई के लिए। तो देख लो गाइज आप लोग को यही सब बातों का ध्यान देना है रैंक पुश के टाइम पे, आपको सबसे ज्यादा सर्वाइवल पे ध्यान देना है। गाइज आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप टॉप 10 नहीं गाइज टॉप 5 टॉप 3, मतलब टॉप 5 के हमेशा ऊपर ही आना है आप लोगों को। उसके बाद देख लो गाइज जब आप टॉप 5 में जाओगे, टॉप 3 में जाओगे, तो उस रैंक पुश के टाइम पर टॉप 5 में टॉप 3 में गाइज काफी बंदे बचे हुए रहेंगे, तो आपको वहां पर किल मिल ही जाएगा। उसके बाद आ गया सपोर्ट, तो गाइज सपोर्ट तो करना ही चाहिए। अगर आप अकेला खेलोगे रैंक पुश के टाइम पे, अपने टीममेट लोग को सपोर्ट नहीं करोगे, तो भाई हो गया, ना आपका होगा कंक्रीट ना किसी और का होगा कंक्रीट, ऐसे ही रह जाओगे सब। के बाद सप्लाईज, भाई लूट तो अच्छा रहना ही चाहिए रैंक पुश के टाइम पे, किसी ऐसे जगह उतरो कि जहां पे आप लोग को सबको अच्छा लूट मिल जाए। तो गाइज आपको इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है रैंक पुश के टाइम पे, और फिर गाइज आपको आराम से किसी भी लॉबी में अच्छा प्लस मिलते जाएगा। सबसे ज्यादा ध्यान आपको एक बात का देना है गाइज, आपको सर्वाइव करना है हर मैच में, कोशिश करो कि टॉप 2 टॉप 3 में आ ही जाओ, या विन निकालने का तो गाइस पूरा कोशिश करो, क्योंकि गाइस किल हो ही जाएगा लास्ट तक, अगर बचे रहोगे तो 4-5 किल हो ही जाएगा, उतना किल काफी है ज्यादा प्लस के लिए। तो गाइस बस इतना ही बात था जो जिसके कारण आपका प्लस घटता है बढ़ता है, बस इन सब बातों का ध्यान रखो, बस हो गया, फिर रैंक पुश हो जाओगे, आप भी कॉन्करर बन जाओगे, नया सीजन आने वाला है, बस अगले सीजन में इन सारी बातों का ध्यान रखो और रैंक पुश करो जम के, और लगा लो कॉन्करर का टैग। चलो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों से मिलता हूं कल एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि वो लोग भी अच्छे से रैंक पुश कर सके। तो चलो गाइज मैं आप लोगों से मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।